टोंग जिला सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील है। जिले में शांति कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने हेतु आगामी त्योहारों एवं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिला पुलिस टोंग की ओर से मिशन सद्भावना प्रारंभ किया गया है। इस हेतु जिला पुलिस टोंग द्वारा निम्न अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। जन जागरूकता अभियान, आम नागरिकों में विश्वास बनाए रखने हेतु जिले में लगातार शांति समिति CLG सदस्यों की मीटिंगें ली जा रही है एवं जिले में शांति एवं सौहार्द बनाए रखने हेतु शांति समिति CLG सदस्यों को प्रभावी तरीके से उपयोग किया जा रहा है। अफवाहों के विरुद्ध अभियान चालू किया गया है, जिसके तहत फेसबुक, विभिन्न संप्रदाय एवं समाज के व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने, किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो पोस्ट करने या शेयर करने पर होने वाले अपराध एवं सजा के संबंध में टोंग पुलिस द्वारा आम नागरिक से अपील कर जागरूक किया जा रहा है। अफवाहें फैलाने पर IPS की धारा 153, 505 एवं IRI एक्ट की धारा 67 के तहत कार्रवाई की जाएगी। समसन टोंग वासियों से अपील है कि सोशल मीडिया पर किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी, वीडियो पोस्ट या शेयर करने से बचे। ब्लॉक ऐसे में सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने हेतु जिला पुलिस टोंग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नंबर व्हाट्सएप नंबर 9983257023 जारी किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता संबंधित संसद सुविधाओं हेतु मोबाइल ऐप वोटर चुनाव संबंधित आदर्श आचार संहिता चुनाव व्यय के उल्लंघन की शिकायत हेतु मोबाइल ऐप CVIGIL चुनाव संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 इत्यादि का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ब्लॉक SMS सोशल मीडिया के अनुचित उपयोग को रोकने एवं निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने हेतु जिला पुलिस टोंग द्वारा वोटर IGIL भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता संबंधित संसद सुविधाओं हेतु मोबाइल ऐप चुनाव संबंधित आदर्श आचार संहिता चुनाव व्यय के चलर्थन की शिकायत हेतु मोबाइल ऐप 1950-100-1432-247130 टोंग पुलिस द्वारा कम्युनिटी थिएटर टोंग के साथ मिलकर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने, आगामी विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष व निर्भीक मतदान करने हेतु मतदाता जागरूकता अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत जिले में सद्भावना यात्रा प्रारंभ कर अलग अलग स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सकत्र पूर्वक एवं प्रभावी गश्त व्यवस्था जिले के संबंधित व्यक्तियों एवं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय लोगों पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है, जिनके द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की संभावना हो। जिले में सायंकालीन एवं रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था की ओर अधिक मजबूत एवं प्रभावी किया गया है, जिसके तहत गश्त के दौरान नवाचार करते हेतु धार्मिक एवं संवेदनशील स्थलों की प्रतिदिन फोटोग्राफी करवाई जाकर एल्बम तैयार किया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थान पर होने वाले बदलाव के संबंध में तुरंत जानकारी प्राप्त की जा सके। सत्कर्तपूर्ण एवं प्रभावी गश्त व्यवस्था जिले के संदिग्ध व्यक्तियों एवं तीन गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय और आगामी त्यौहार सीजन और इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ सांप्रदायिक सौहार्द मेंटेन रहे, इसके लिए टोंग पुलिस के द्वारा मिशन सद्भावना को प्रारंभ किया गया। मिशन सद्भावना के बेसिकली तीन स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है जन जागरूकता अभियान। जन जागरूकता अभियान के अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग जो जन सहभागिता कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे वो CLG हो, शांति समिति हो, सुरक्षा सखी हो, पुलिस मित्र हो, इनका हम और प्रभावी तरीके से इनको उपयोग में ले रहे हैं। और जब भी इनकी मीटिंग्स लेते हैं तो सांप्रदायिक सौहार्द बनाने हेतु, अफवाह ना फैलाने हेतु या फिर इलेक्शन में मतदाताओं को जागरूक करने हेतु, इन सब के बारे में इनको बताया जाता है। साथ ही साथ इसमें एक नवाचार हमने किया है, कम्युनिटी थिएटर ग्रुप है टोंग का, इनके साथ हमने कोलैबोरेट किया है। इनके साथ समन्वय करके एक सद्भावना यात्रा पूरे ज़िले में चलाई जा रही है, जहाँ पर ये अलग अलग जगहों पर जाकर, खासकर जो संवेदनशील एरियाज हैं वहाँ जाकर अलग अलग थीम्स पर, अलग अलग टॉपिक्स पर ये नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में टोंक में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है और मालपुरा में किया गया है। इन नाटकों का आयोजन मतदाताओं को जागरूक करना भी है एक उद्देश्य, और दूसरा उद्देश्य जो है सांप्रदायिक सौहार्द जो है अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच में वो बरकरार रहे, इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना है।
साथ ही साथ जो अपने टोंक जिले में जो और समस्याएं हैं जैसे नशा मुक्ति को लेकर, इसके ऊपर भी अलग अलग कार्यक्रम और नुक्कड़ नाटक का आयोजन भविष्य में किया जाएगा। तो पहला स्तंभ है जन जागरूकता अभियान, दूसरा स्तंभ है प्रभावी तरीके से गश्त करना और सोशल मीडिया पे सर्वेलेंस करना। इसमें हमने एक नवाचार किया है कि जो इवनिंग गश्त और रात्रि गश्त हम कर रहे हैं, इसमें जितने भी संवेदनशील धार्मिक जगह हैं उनकी हम हर दिन फोटोग्राफी कर रहे हैं और फोटो एल्बम मेंटेन किया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई भी अगर आपत्तिजनक हरकत की जाए इन जगहों पर, तो जल्द से जल्द उसका डिटेक्शन हो सके और हम त्वरित कार्रवाई कर सकें। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर निगरानी की तो एक स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी टाउन पुलिस के द्वारा जारी किया गया है, जिस पर अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर हो या इलेक्शन से संबंधित कोई भी अगर कंप्लेंट किया जाता है या कोई भी समस्या हमारे संज्ञान में लाई जाती है, तो उस पर हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। और इस मिशन का तीसरा स्तंभ है प्रभावी तरीके से निरोधात्मक कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा करना, जो कि एक प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग का पार्ट है। तो इसके अंदर मैं बता दूं कि इस साल टोंक जिले में कुल 457 लोगों को 108 सीआरपीसी, जो कि एक स्पेशल सेक्शन है सीआरपीसी में, उन लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने के लिए जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। तो इस साल 457 लोगों को हमने पाबंद किया है, जो कि पिछले कई सालों के आंकड़ों से बहुत ज़्यादा है। तो ये दर्शाता है कि हम जो है प्रोएक्टिव होकर लोगों को पाबंद करा रहे हैं, और साथ ही साथ जैसा मैंने बताया कि इन पर सर्वेलेंस रखा जा रहा है, इन पर निगरानी रखी जा रही है फिजिकल तरीके से भी और टेक्नोलॉजिकली भी। तो मिशन सद्भावना जो ये तीन स्तंभ है, इसको हम पिछले कुछ दिनों से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और भविष्य में भी अगले 3 महीने इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, ताकि जो हमारा इलेक्शन है दिसंबर के महीने में वो बिल्कुल शांतिपूर्वक सम्पन्न।